बिसमीम्स एवरी वन डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर काउंट डाउन क्लास एंड आई एम हेयर टू गिव यू टास्क ऑफ़ काउंट डाउन फॉर ग्रेड फाइव वेल स्टूडेंट्स ओपन योर काउंट डाउन बुक पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ओके स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए थे पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन में डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर एट और नाइन हमने डिस्कस किए थे आज हम करेंगे ये टेबल जिसमें तमाम डिविजिबिलिटी रूल हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट ओके द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन आपको नीचे टेबल दिया गया है जिससे हम uh, टेस्ट कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन है या नहीं और उसका क्या रूल है सो डिविज़िबल बाय टू नंबर जो है वो डिविज़िबल बाय टू तभी होगा इफ़ अगर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ ज़ीरो टू फोर सिक्स और एट अगर Uh, जो गिवन नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पे आपके पास ये नंबर दिए गए हों तो ही आपका नंबर गिवन नंबर या ओरिजिनल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय टू होगा द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाय थ्री नंबर जो है वो डिविजिबल बाय थ्री होगा इफ़ अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री अगर नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय थ्री हो तो हम कह सकते हैं गिवन नंबर या ओरिजिनल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय थ्री है द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाय फोर नंबर डिविजिबल बाय फोर कब होगा इफ़ अगर द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ फोर जो गिवन नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट्स अगर जो मल्टीपल ऑफ फोर हैं तो इट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय फोर है द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाय फाइव नंबर डिविजिबल बाय बाय फाइव होगा इफ अगर द नंबर एंड्स विद आइदर जीरो और फाइव अगर नंबर के लास्ट में जीरो या फाइव हो तो इट मीन्स के गिवन नंबर ओरिजिनल नंबर डिविजिबल बाय फाइव है द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाय सिक्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाई टू एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ थ्री गिवन नंबर डिविजिबल बाई सिक्स होगा अगर आपके पास जो नंबर है वो डिविजिबल बाय टू हो और जो नंबर गिवन है उसके डिजिट्स का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय सिक्स द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाई एट द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाई द लास्ट थ्री डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एट अगर गिवन uh, नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स जो हैं uh, वो मल्टीपल ऑफ एट हो तो हम कह सकते हैं औरिजिनल नंबर जो है वो मल्टीपल डिविजिबल बाई एट है द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय नाइन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ नाइन अगर डिजिट्स नंबर के डिजिट्स का सम किया जाए और वो सम जो है वो मल्टीपल ऑफ नाइन हो तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय नाइन है द लास्ट वन इज़ डिविजिबल बाय टेन द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज़ीरो अगर नंबर के यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि ओरिजिनल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय टेन होगा तो ये तमाम रूल्स थे जो हमने पढ़े और अब यहाँ पर हमने इनको रिकॉल किया और अब इस टेबल अब इस टेबल से रिलेटेड मैंने आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ जो आप लोगों ने करनी है और इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है आपको डिफरेंट नंबर दिए गए हैं आपने वन बाय वन हर नंबर पे डिविजिबिलिटी रूल जो है आपने अप्लाई करना है जो नंबर्स आपको ऊपर दिए गए हैं इनके डिविजिबिलिटी रूल आपने इस नंबर पर अप्लाई करना है जो जिस नंबर जो नंबर ये नंबर अगर डिविजिबल बाय टू है तो आपने इसके आगे टिक मार्क करना है अगर ये नंबर डिविज़िबल बाय टू नहीं है तो इसके आगे आपने क्रॉस मार्क करना है इस तरह आपने हर नंबर का जो है वो हर नंबर को चेक करना है इन पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने हैं और जिनका आंसर आपका जो है वो करेक्ट आ जाए आपका जो है ठीक आंसर आए उसके आगे उस डिजिट के आगे आपने टिक मार्क करना है और जिस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता जिस नंबर पर उसके आगे आपने क्रॉस मार्क करना है